And for all your filmy updates, please subscribe to Dot Entertainment. सबसे पहले तो आपका वेलकम करना चाहूंगी. थैंक यू. 15th अगस्त हो या फिर 26 जनवरी, हम लोग बहुत उत्साह से मनाते हैं. हम लोग को गर्व फील होता है कि हम लोग इंडियन हैं. आप किस तरह से सेलिब्रेट करती हैं ये जानना चाहूंगी. बचपन में जब गणतंत्र दिन होता था तो बहुत मज़ा आता था, क्योंकि स्कूल में जाते थे हम, फ्लैग होस्टिंग करते थे, हमें बिस्किट्स दिए जाते थे, तो वो कुछ मज़ा और ही होता था. अब मैं ऐसे सेलिब्रेट करती हूँ कि मेरा बेटा जो है वो 12 साल का है, तो वो जब स्कूल जाता है तो उसे कुछ अलग तरीके से मैं ड्रेसअप कराती हूँ. जैसे कि मैंने एक स्कार्फ लिया है, इट्स अ लॉन्ग लाइक अ स्कार्फ काइंड ऑफ अ थिंग, तो वो मैं फ्लैग कलर्स में है उसमें उसके गले में डालती हूँ. ही वेज़ अ वाइट सलवार कमीज और नो व्हाट इज़ इट कॉल्ड कुर्ता, सॉरी नॉट सलवार, कुर्ता पजामा एंड विद द फ्लैग कलर्ड दिस थिंग, और समटाइम्स वी ड्रॉ टैटू ऑन हिज फेस विच इज़ फ्लैग इन फ्लैग कलर्स. तो एंड देन ही गोज़ टू हिज स्कूल और हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि उसने कैसे सेलिब्रेट किया. फुल 100% मेरा पार्टिसिपेशन रहता था, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था जब वहाँ पे बातें होती थी कि व्हाट इज़ इट बीइंग एन इंडियन, एक पेट्रियट यानी क्या, क्यों हमें हमारे देश की तरफ जो भी फीलिंग्स है, प्यार है या ह्यूमैनिटी टुवर्ड्स मदर अर्थ, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये बताई जाती थी, तो वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता था. और क्या कुछ स्कूल के दिनों में करती थी इस दिन? जैसे मैंने कहा कि फ्लैग होस्टिंग करते थे, द यूनिफॉर्म यूज्ड टू बी क्रिस्पली आयर्न एंड देन वी टू गो डू द फ्लैग होस्टिंग. फिर घर आके, स्कूल तो नहीं होता था, स्कूल तो वॉज इन द मॉर्निंग फॉर 2 घंटे के लिए. फिर बच्चों के साथ जो मेरे फ्रेंड्स थे, मैं जहाँ रहती थी वहाँ पर हम सब बच्चे मिल के भी, हम जहाँ रहते थे वहाँ पर फ्लैग होस्टिंग करते थे. इस बार आप किस तरह से सेलिब्रेट करने वाले रिपब्लिक डे? इस टाइम मैं आई एम मोस्टली गोइंग टू बी वर्किंग, मैं शूट करने वाली हूँ, लेकिन हाँ जैसे मैंने बताया कि मेरे बेटे के साथ मैं ज़रूर सेलिब्रेट करूँगी गणतंत्र दिन, तो ये जो फ्लैग मैंने लाया है उसके लिए भी एक लाया है, तो होल डे वी आई एम गोइंग टू बी वेयरिंग दिस. मैं इस टाइम उसको इस चीज़ के बारे में सिखाने वाली हूँ कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने ही ब्रॉट इट इन टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन, वो मैं उनको उसको बताने वाली हूँ. एक होता है हीरो और एक होता है रियल हीरो. दोनों की अपनी अपनी जगह है. यू कैन नॉट टेक अवे वन फ्रॉम द अदर, द इम्पॉर्टेंस ऑफ वन फ्रॉम द अदर. रियल हीरोज आर दोज हीरोज ऑब्वियसली जो वी डोंट सी देम ऑन रील लाइफ और इन अ थिएटर और ऑन टीवी स्क्रीन, दोज आर द हीरोज हु आर एक्चुअली आउट देयर ऑन द ग्राउंड डूइंग द वर्क एंड हेल्पिंग सेविंग अदर ह्यूमन बींग्स और अदर बींग्स सो टू से. एंड द स्क्रीन heroes are the heroes who send a message, most of them do, of course. They send a social message or they entertain us, which also means that they relieve us from the stress that we are feeling from day to day living. जैसे पीएम जाते हैं और कई सारे सेलिब्रिटी भी जाते हैं फौजियों के साथ इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, वहाँ पे अलग ही माहौल होता है जी. और एक अलग सी मतलब पॉजिटिविटी फील होती है. सो आप कहीं कभी जाना चाहेंगे ऐसा कुछ प्लान? डेफिनेटली जाना चाहूँगी, लेकिन हाँ मैं हाल ही में पिछले साल जो बॉर्डर है वहाँ पे मैं गई थी फिरोजपुर में, तो वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इतना नज़दीक से देखने मिला, तो दैट वाज एंड आई सॉ द एक्सचेंज और तब बहुत अच्छा लगा. रियली फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन ओवर देयर. आपके हिसाब से कंट्री में क्या कुछ चेंजेस आने चाहिए? बहुत सारे चेंजेस हमें करने की ज़रूरत है. एक तो मेंटल वेलबींग या मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की, टुडे इट हैज़ बिकम अ नेसेसिटी. हम अवेयर नहीं हैं, गवर्नमेंट शुड मेक प्रोविजन फॉर इट इन द बजट दैट्स अपकमिंग, क्योंकि व्हाट वी डोंट रियलाइज इज के लॉट ऑफ फिजिकल इलनेसेस आर रिलेटेड टू मेंटल इलनेसेस. व्हाट हैपन्स बिकॉज ऑफ दैट इज अल्टीमेटली इफ यू सी जो हमारी इकोनॉमी है उस पर डायरेक्ट अफेक्ट होता है. वी लूज मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रुपीज़ बिकॉज ऑफ पीपल नॉट बीइंग मेंटली वेल. तो ये जो चीज़ है इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. दिस इज़ माय वेरी फेवरेट टॉपिक के जिसके बारे में मैं बात करती हूँ. ऑफकोर्स अदर इशूज़ लाइक पॉवर्टी, इलिटरेसी, अब्यूज़ टूवर्ड्स चिल्ड्रन एंड वुमेन, एनवायरमेंट चेंजेस दैट आर हैपनिंग लाइक
नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इसके और भी ध्यान देने की ज़रूरत है. तो ऑल दीज चेंजेस वी हैव टू ब्रिंग इन आवर कंट्री. अपने कंट्री में सबसे ज़्यादा आपको क्या कुछ पसंद आता है, क्या सबसे ज़्यादा प्राउड फील मोमेंट लगता है आपको? There are many things which I feel extremely proud of. One is of course the brain. I mean, we are very intelligent people. We have a lot of intelligence. Unfortunately, of course, brain drain ho raha hai. But having said that, I'm proud that we have. No, actually, can you just delete that and I'll rephrase it? Haan, ye karo. Theek hai, okay. So, haan. The things that I'm extremely proud of being an Indian is of course yoga. We've given this gift to the world, and what we don't give importance to or we don't realize is yoga is not just an exercise. It truly is a way of living. It teaches you to align your mind, body and soul and live life the way it is meant to live. Besides that, of course, Ayurveda is one very, very big gift that we have given to the world, because plant-based medicines or medicines which come from nature are extremely good for us. For preventive measure, Ayurveda is beautiful. So allopathy, yes, it has its place. For example, if you have a fracture or whatever, then you have to go to an allopathic doctor. Having said that, coming back to Ayurveda, which is a gift that we have given to the world. So these two things are definitely something that I'm extremely proud of. देशभक्ति के सॉन्ग्स या फिर मूवीज कितना पसंद करते हैं आप देखना? मज़ा तो आता है ऑफ कोर्स, जैसे चक दे है, ऑल दीज काइंड ऑफ फिल्म्स व्हिच यू नो यू फील वेरी प्राउड ऑफ. ओके, आपके और कोई फेवरेट सॉन्ग देशभक्ति के? वंदे मातरम इज वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट्स. जो सिर्फ एक दिन फ्लैग को रिस्पेक्ट देते हैं और उसके बाद फेंक देते हैं, उसको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उसको क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे? यही कि वन नीड्स टू बी अवेयर, क्योंकि A flag is something that we have to respect not only on these 2 days but 365 days of the year. So, jab aap jhanda khareedte ho, to please be careful how you're disposing. Please don't throw it on the road ki somebody can step on it. That's very disrespectful, and we should not, as Indians, do that to our flag or anybody else's flag. We have to respect flags because it has its own place. So, beware, be careful. Okay. थ्री कलर्स होते हैं फ्लैग के, सो आपको इसका मीनिंग पता है, ये भी जानना चाहूंगी. जी, मुझे पता है. सैफरन जो कलर है वो त्याग बताता है, वाइट है दैट्स फॉर पीस, एंड ग्रीन जो है वो प्रॉस्पेरिटी के लिए, और जो अशोका चक्र है दैट इज धर्मा, और हाउ आई लाइक टू इंटरप्रेट इट इज एज धम्मा, विच इज नॉट धर्म एज अ रिलीजन बिकॉज दैट कैन बी मिसकंस्ट्रूड, बट वेन इट वॉज put on the flag as dharma or dhamma, it means that follow the laws of the nature. That's how I like to interpret it. Okay, our national anthem? Yes. Janagana Mana, of course. National anthem? Haan. Janagana Mana, who is reader? Nahi malum, Bose. No. Ravindranath Tagore, yes. And national song? National song nahi pata. Vande Mataram, yes. Yeah. And who is written? नहीं पता. वकीम चंद चट्टोपाध्याय. ओके. अवर नेशनल ट्री? नेशनल ट्री? या नेशनल ट्री भी होता है क्या? अरे आई डोंट नो. बर्ड तो पता है, पिकॉक है, फ्रूट पता है, मैंगो है, एनिमल पता है, लायन है, ट्री का नहीं पता था. ना, हॉकी. ओके. नेशनल फ्लावर? नेशनल फ्लावर लोटस. ओके. फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर? नेहरू. फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? फर्स्ट प्रेसिडेंट वॉज, नहीं पता, याद नहीं है. पता है, यस, राजेंद्र प्रसाद. ओके. एंड लास्टली ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहोगे? नो ऑल दिस हिस्ट्री, आई मीन आई वाज टेरिबल इन हिस्ट्री, आस्क मी साइंस मैथ आई वुड आंसर, बट एज एन इंडियन प्लीज नो ऑल दीज फैक्ट्स, अदरवाइज यू विल गेट इन ट्रबल लाइक आई जस्ट डिड. सो अपोलॉजीज फॉर दैट, आई न्यू ऑल द आंसर्स बट ऑब्वियसली आई फॉरगॉट, बट थैंक यू फॉर रिफ्रेशिंग माई मेमोरी. How could I have forgotten? Tree कौन सी है? So सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि आप कितना देश के बारे में जानती हैं? So कुछ questions हैं मेरे. I was very weak in history. मैं पहले ही disclaimer दे देती हूँ, because it was not my favorite topic. But let's see how much I remember. National anthem. जनगणमन. Who is written? रविंद्रनाथ टैगोर. Okay. National song. वंदे मातरम. Yeah. And who is written? No. Bankim Chandra Chatterjee. Our national tree?
नेशनल ट्री, बैनियन ट्री, या नेशनल फ्लावर, लोटस, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर प्रसाद. ओके, ये नेशनल गेम, हॉकी. Thank you, thank you. And for all your filmy updates, please subscribe to Dot Entertainment. For filmy updates, please do subscribe to Dot Entertainment. Hi, this is Nabha Natesh. Please subscribe to Dot Entertainment.